हेलो साथी, एक बार आप सभी का फिर से जोरदार तरीके से स्वागत है आपके अपने परिवार अखिलेश एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, लास्ट क्लास में हम लोग ससंजक बल और असंजक बल के बारे में पढ़ चुके थे, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 12 के सेकंड पेपर की फिजिक्स का चौथा चैप्टर, जिसमें आप पृष्ठ तनाव पढ़ रहे थे। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने ससंजक और असंजक बल के बारे में विस्तृत व्याख्या की थी, खूब अच्छे तरीके से समझे थे, जी लगाकर मन लगाकर समझ लिए थे जितना पढ़ना था हमें। और उसके बारे में हमने ये भी जान लिया था कि ससंजक और असंजक बल का क्या क्या प्रभाव डालते हैं। आपको बताया गया था कि कागज पर पेन से लिखना, स्याही से लिखना संभव है, लेकिन लेकिन पानी से नहीं। और उसके साथ साथ आप लोगों ने यह सीखा था कि जो पारा होता है वो कांच को, ये पारा कांच को नहीं भिगोता लेकिन जल कांच को भिगो देता है, क्यों? ये सब आपने अच्छी तरह से सीखा होगा और हमें लगता है कि अब इसमें कोई आपको समस्या नहीं है, है ना? आगे बढ़ा जाए। चलिए, आज उसी के आगे हम लोग सीखते हैं द्रव की पृष्ठ ऊर्जा क्या होती है। द्रव की पृष्ठ ऊर्जा, द्रव की पृष्ठ ऊर्जा क्या होती है? तो आप बताएंगे कि ये जो द्रव होता है इसकी पृष्ठ ऊर्जा को हमें परिभाषित करना है। तो हम बताएंगे, जब किसी द्रव के पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है, जब किसी द्रव के पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है, यानी जो द्रव है हम उसकी सतह को बढ़ाएंगे, तो क्या होगा? तो द्रव के कुछ अणु उसके अंदर से मुक्त होकर खाली पृष्ठ पर पहुंच जाते हैं। क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये इतना सतह थी, हमने इसको बढ़ाना चाहा, तो इसके अणु मुक्त होकर कुछ अणु यहां पर आ जाएंगे, और ये अणु यहां पहुंचेंगे तो इनको पहुंचाने के लिए, या फिर यहां पर पहुंचेंगे तो इनमें एक ऊर्जा लगेगी। मान लीजिए यहां से जो पृष्ठ मुक्त हो रहे हैं, यानी कि जो अणु मुक्त होकर यहां आ रहे हैं, तो ये तो यहां आ गए, लेकिन नीचे वाले जो अणु होंगे उनके बीच, यानी नीचे वाले अणु द्वारा पृष्ठ पर एक ऊर्जा लगती है। यानी कि आप कहते हैं कि जब किसी मुक्त पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है, तो द्रव के कुछ अणु मुक्त पृष्ठ पर अंदर से आ जाते हैं, और इन अणुओं को मुक्त पृष्ठ के ठीक नीचे वाले अणुओं द्वारा, इस मुक्त पृष्ठ को ठीक अणुओं के ठीक नीचे वाले अणुओं के द्वारा आकर्षण बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है, इनको इनके आकर्षण के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है, और यही कार्य जो होता है वो किसके रूप में संचित हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। ऊर्जा वो भी कौन सी, स्थितिज। तो यही जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसी को हम लोग कहते हैं कि द्रव की पृष्ठ ऊर्जा। बताएंगे क्या कि जब किसी मुक्त पृष्ठ का, द्रव के मुक्त पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है, तो द्रव के कुछ अणु मुक्त पृष्ठ पर आ जाते हैं, और ठीक इन मुक्त पृष्ठ के नीचे वाले अणुओं के द्वारा, यानी कि इन अणुओं के द्वारा इनके विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है, जो स्थितिज ऊर्जा के रूप में। द्रव की पृष्ठ ऊर्जा आपके समझ में आ गई, अब इसकी परिभाषा लिखा जाए। तो इसकी दो परिभाषाएं आपको बताई गई, क्या क्या बताई गई? तो सबसे पहले, जब द्रव के पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है, पहली परिभाषा, जब द्रव के पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है तो द्रव के कुछ अणु मुक्त पृष्ठ पर, यानी जब द्रव के पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है, तो द्रव के कुछ अणु उसके अंदर से मुक्त पृष्ठ पर आ जाते हैं, तो द्रव के कुछ अणु उसके अंदर से मुक्त पृष्ठ पर आ जाते हैं, मुक्त पृष्ठ पर आ जाते हैं। द्रव के पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो द्रव के कुछ अणु उसके मुक्त पृष्ठ के अंदर आ जाते हैं, मुक्त पृष्ठ के अंदर आ जाते हैं। इन अणुओं को मुक्त पृष्ठ के, इन अणुओं को मुक्त पृष्ठ के अंदर वाले, क्या किया जाता है, इन अणुओं को मुक्त पृष्ठ के नीचे वाले अणुओं के आकर्षण बल के विरुद्ध, के नीचे वाले अणुओं के आकर्षण बल, आकर्षण
बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है, विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है। जब द्रव के पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है तो द्रव के कुछ अणु उसके अंदर से मुक्त पृष्ठ पर आ जाते हैं। इन अणुओं को मुक्त पृष्ठ के नीचे वाले अणुओं के आकर्षण बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है और यह कार्य निर्मित हुए नवीन पृष्ठ में किसके रूप में संचित हो जाता है, तो आप बताएंगे कि यही कार्य नवीन पृष्ठ में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है और इसे ही यानी कि यही जो स्थितिज ऊर्जा है यही द्रव की पृष्ठ ऊर्जा कहलाती है। समझ में आ गया? तो क्या कहेंगे, जब द्रव के पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है तो वहां के कुछ अणु उसके अंदर से मुक्त पृष्ठ पर आ जाते हैं और इन अणुओं को मुक्त पृष्ठ के नीचे वाले अणुओं के आकर्षण बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है। यह कार्य निर्मित हुए नवीन पृष्ठ में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है जिसे द्रव की पृष्ठ ऊर्जा कहते हैं। अथवा दूसरी परिभाषा देख लो, दूसरी परिभाषा क्या है तो आप बताएंगे, दूसरी परिभाषा बताएंगे द्रव के मुक्त पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल, द्रव के मुक्त पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल, द्रव के मुक्त पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल की इस अतिरिक्त ऊर्जा को, प्रति एकांक क्षेत्रफल की इस अतिरिक्त ऊर्जा को, अतिरिक्त ऊर्जा को द्रव की पृष्ठ ऊर्जा कहते हैं। उसी से रिलेटेड है, देखिए द्रव की पृष्ठ ऊर्जा कहते हैं, उसी से रिलेटेड है। देखिए कि यहां पर कह रहा है जब पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो मुक्त पृष्ठ पर कुछ अणु आ जाएंगे और जो अणु आएंगे उनको नीचे वाले अणुओं के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ेगा अथवा जो ऊर्जा वे होगी उसे ही नवीन पृष्ठ की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अथवा द्रव के मुक्त पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल को जब हम लोग बढ़ाएंगे तो उसके वहां पर कुछ अतिरिक्त ऊर्जा संचित हो जाएगी। देखिए अतिरिक्त ऊर्जा, और उसी ऊर्जा को बोलते हैं, क्या कहते हैं, पृष्ठ ऊर्जा कहते हैं। नोट कर लीजिए, समझ में आ गया? समझाने का वादा है, 100% आपको समझा देंगे, पूरी की पूरी फिजिक्स मक्खन लगेगी आपको। बस आपको क्या करना है, पूरा वीडियो देखना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। समझाने का वादा है, पूरा समझा देंगे, नहीं समझ में आया आपका पैसा वापस कर देंगे, जितना दिए रहेंगे, नहीं दिए रहेंगे तब भी वापस कर देंगे, बस आप लोग समझते रहिए। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, जब पैसा दिए रहेंगे तभी तो वापस करेंगे ना, ऐसे फेंक के मारेंगे आपका पैसा आपके ऊपर जब नहीं समझा पाएंगे तो। कहने में क्या जाता है, कह देते हैं, फेंक कर मारेंगे, कैमरे पर जाएगा, कैमरे के बाद हमारा पैसा हमारे पास। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा मुन्ना सा डेरिवेशन है उसको समझ लेते हैं। डेरिवेशन का नाम है द्रव के मुक्त पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाने में किया गया कार्य, द्रव के मुक्त पृष्ठ का क्षेत्रफल, द्रव के मुक्त पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाने में किया गया कार्य, द्रव के मुक्त पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाने में किया गया कार्य। आप अभी तक समझ गए हैं ना कि मुक्त पृष्ठ की ऊर्जा क्या होती है, आपने पढ़ लिया द्रव की पृष्ठ ऊर्जा क्या होती है। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो मुक्त पृष्ठ हमने किया था उसी के क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए हमें कितना कार्य करना पड़ता है। तो हम लोग मानेंगे कि माना कि किसी द्रव की एक फिल्म, एक मुड़े हुए तार एबीसी, हम लोग मान लेते हैं कि एक मुड़ा हुआ तार है एबीसी, ये कुछ इस प्रकार से,
एक मुड़ा हुआ तार क्या है, एबीसी। हम लोग मान लेंगे कि हमारे पास एक मुड़ा हुआ तार एबीसी है जिसमें द्रव की फिल्म बनी हुई है कुछ इस प्रकार से। ये आपका तार हो गया। समझ में आ गया कि मानना पड़ेगा कि माना कि किसी द्रव की एक फिल्म एक एबीसी मुड़े हुए तार में, एक मुड़े हुए तार एबीसी में क्या है, बनी हुई है कुछ इस प्रकार से, हमने मान लिया। आगे क्या करना, इतना समझ में आया या नहीं बताइए, इतना समझ में आया। और यहीं पर एक तार लग, एक छोटा सा सीधा तार लगा हुआ है पी क्यू, जो बिना घर्षण के इस पूरे के पूरे तार पर खिसक सकता है। क्या लगा है, एक छोटा सा तार इस पर लगा है पी क्यू, जो बिना घर्षण के क्या कर सकता है, खिसक सकता है। और तार की जो लंबाई ली गई है वो 2L है, तो 2L लंबाई का तार इस पूरे के पूरे फ्रेम एबीसी पर बिना घर्षण के खिसक सकता है। इतना समझ में आया, 2L लंबाई का तार बिना घर्षण के क्या कर सकता है, खिसक सकता है। इतना समझ में आ गया या नहीं। हम लोग इसका नाम दे देते हैं कि ये क्या है, पी क्यू है, एक तार है जो क्या कर सकता है, इस पर ऊपर नीचे आराम से खिसकाया जा सकता है। समझ में आ गया, पृष्ठ तनाव के कारण फिल्म का मुक्त पृष्ठ सिकुड़ने का प्रयास करेगा, यानी कि यहाँ पर जो फिल्म बनी हुई है ये मुक्त पृष्ठ पृष्ठ तनाव के क्या कारण क्या काम करेगा, सिकुड़ने का प्रयास करेगा। और जब ये सिकुड़ने का प्रयास करेगा तो ये पी क्यू क्या करेगा, आगे की ओर यानी ऊपर की ओर खिसकने का प्रयास करेगा। जब ऊपर की ओर खिसकने का अपने आप प्रयास, आपका टाइम वेस्टिंग था इसलिए आपको समझा देते हैं। आपको देखिए क्या बताया गया, माना एक फ्रेम एबीसी है जिसमें 2L लंबाई का तार पी क्यू बिना घर्षण के ऊपर नीचे खिसक सकता है। फिर क्या किया गया, यहाँ पर क्या था, एक पतली फिल्म बनी थी द्रव की, और द्रव की फिल्म के कारण ये क्या चेष्टा करता है, पी क्यू तार बार बार ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है, पता नहीं क्या रखा है, ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है बार बार। क्या करता है, पृष्ठ तनाव के कारण ये ऊपर जाने का प्रयास करता है। तो अगर इसको हमें यहाँ रोक कर रखना है तो एक बल नीचे की ओर से क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, यानी कि तार को विपरीत दिशा में एक बल लगाना पड़ेगा। और यही चीज लिखे हैं कि माना एक फ्रेम एबीसी है जिसमें 2L लंबाई का तार पी क्यू बिना घर्षण के खिसक सकता है। क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण फिल्म का मुक्त पृष्ठ सिकुड़ने का प्रयास करता है, ये छोटा होने का प्रयास करेगा, अतः तार पी क्यू ऊपर की ओर चलता है, इन्होंने चलना प्रारंभ किया। फिर क्या होता है, तार पी क्यू को अगर हमें साम्यावस्था में बनाए रखने के लिए एक बल नीचे की ओर लगाते हैं, और जब ये बल नीचे की ओर लगता है तो ये क्या करता है, नीचे की ओर लगा दिए, हमने क्या मान लिया कि ये बल जो नीचे लगाया गया था वो कितना है यप, तो द्रव द्वारा तार की लंबाई पर लगाया गया बल, द्रव भी एक बल लगाएगा, द्रव द्वारा तार की लंबाई पर लगाया गया बल, कितना बल लगा रहे हैं यप, लगाया गया बल यप क्या होगा पता है, प्रोपोर्शनल होगा इसकी लंबाई के, यप प्रोपोर्शनल 2L, 2L लंबाई है तो 2L के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, ये तो लगने वाला बल हो गया। और यहां से अगर हम ये प्रोपोर्शनल हटाएंगे, एक नियतांक आएगा T गुणे 2L, जहां T एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जहां T क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक, नीचे दिख रहा है अनुक्रमानुपाती नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसे क्या नाम देते हैं पता है, जिसे कहते हैं पृष्ठ तनाव कहते हैं, T को क्या बोलते हैं, पृष्ठ तनाव, जिसे पृष्ठ तनाव कहते हैं। इतना क्लियर है, बताना था आपको कि एक फ्रेम एबीसी है जिसमें 2L लंबाई का तार पी क्यू बिना घर्षण के कहीं भी खिसक सकता है, और द्रव की जो फिल्म है वो क्या करती है, सिकुड़ने का प्रयास करती है पृष्ठ तनाव के कारण, तो ये तार ऊपर की ओर जाता है, इसे साम्यावस्था में बनाए रखने के लिए एक बल नीचे लगाते हैं या फिर, तो जो तार पर लगाया गया बल होगा वो तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा, यहां पर प्रोपोर्शनल हटाएंगे टी आ जाएगा, और टी बराबर यहां पर आपका हो जाएगा बराबर टी इंटू 2L। इतना समझ में आ गया या नहीं, जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दीजिए, तो एक बार बताइए ये समझ में आ गया या नहीं। अब हम क्या करते हैं पता है, इस तार को हम नीचे की ओर डेल्टा एक्स दूरी तक खिसका देते हैं, इस तार को नीचे की ओर थोड़ा सा अति सूक्ष्म विस्थापित करते हैं, कितना दूरी तक, डेल्टा एक्स दूरी तक,
खिसका देते हैं तो आप बताएंगे कि ये क्या हुआ, डेल्टा एक्स दूरी खिसकाएंगे तो क्षेत्रफल में वृद्धि किए हैं, और क्षेत्रफल में वृद्धि करने में किया गया कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। यहां से देखिए नीचे दिख रहा है या नहीं बताइए, एक बार चेक करने दीजिए। चलिए नीचे क्लियर है सब कुछ, इधर हम लोग देखते हैं अब तो आप क्या बताएंगे आगे। आगे ये बताएंगे कि द्रव के मुक्त पृष्ठ को बढ़ाने में किया गया कार्य, हम लोग इसको थोड़ा सा खिसकाते हैं तो यहां से आप लिखेंगे द्रव के मुक्त पृष्ठ को बढ़ाने में किया गया कार्य, बढ़ाने में किया गया कार्य W बराबर बल गुणे विस्थापन। बल गुणे आप दूरी भी कह सकते हैं, कितनी दूरी विस्थापित किया गया, तो किया गया कार्य W बराबर बल है F गुणे दूरी डेल्टा X हमने विस्थापित किया, और F बराबर यहां से रख दीजिए कितना T into 2L गुणे डेल्टा X। इन दोनों का हमें देखिए क्या करना है, अब पृष्ठ तनाव का फार्मूला चाहिए, बढ़ाने में किया गया कार्य हमें क्या चाहिए, किया गया कार्य चाहिए, तो किया गया कार्य आपका क्या है W बराबर T into 2L कितना आ गया 2L into डेल्टा X, और 2L into डेल्टा X बराबर A हो जाएगा, क्योंकि 2L into डेल्टा X देखिए लंबाई है और ये दूरी बराबर डेल्टा A क्षेत्रफल हो जाएगा, तो W बराबर T into डेल्टा A और T बराबर W बाई डेल्टा A आ गया। यहां से आपको पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला मिल गया T बराबर W बाई डेल्टा A, या फिर W किया गया कार्य T गुणे डेल्टा A, एक फॉर्मूला बना है आपका W बराबर T गुणे डेल्टा A या T बराबर W बाई डेल्टा A। इतना क्लियर है या नहीं जल्दी से बता दीजिए। तो यदि हम लोग A को एकांक कर दें, नीचे दिख रहा है, हाँ अगर हम लोग इसको क्या कर दें एकांक कर दें तो आपको मिल जाएगा T बराबर W। तो वही हमने बताया था आपको कि एकांक क्षेत्रफल में वृद्धि करने में किए गए कार्य को पृष्ठ तनाव कहते हैं। आगे बताए थे या नहीं जल्दी से बताइए। तो आगे बताए थे ना ऊपर कि एकांक क्षेत्रफल को वृद्धि करने में, ये देखिए यदि एकांक क्षेत्रफल है तो उसी क्षेत्रफल को बढ़ाने में किए गए कार्य को पृष्ठ तनाव कहते हैं। क्लियर, समझ में आया मेरे दोस्त साथी मित्र, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, सखा बंधु बातें बाद में करिएगा। तो द्रव के मुक्त पृष्ठ को बढ़ाने में किया गया कार्य W बराबर बल गुणे दूरी, और W बराबर बल F गुणे दूरी डेल्टा X, F का मान यहां से रख देंगे T into 2L बटे डेल्टा X, W बराबर देखिए 2L into X हो जाएगा डेल्टा A, तो W बराबर T into डेल्टा A और T बराबर W बाई A। यदि डेल्टा A एकांक हो जाए, T बराबर W यानी एकांक क्षेत्रफल में वृद्धि करने में किए गए कार्य को पृष्ठ तनाव कहते हैं। यहीं से बता लीजिएगा, अतः एकांक क्षेत्रफल में वृद्धि करने में किए गए कार्य को पृष्ठ तनाव कहते हैं। समझ में आया, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये था आपका मुक्त पृष्ठ को बढ़ाने में किया गया कार्य W बराबर T into डेल्टा A, और डेल्टा A एक कर दिया जाए तो जो एक वही क्षेत्रफल है, एकांक क्षेत्रफल बढ़ाने में किया गया कार्य पृष्ठ तनाव कहलाता है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, उसके बाद आगे चलते हैं। अगला आपका जो दिया गया है ये लिख लीजिए, तो हम लोग आगे इसके बारे में थोड़ी सी और कुछ इसके व्यवहारिक उदाहरण, यानी कि हम लोग कह सकते हैं ये समझने के बाद पृष्ठ तनाव के प्रमाण के संबंध में कुछ घटनाएं सीखेंगे, यानी कि पृष्ठ तनाव के कुछ व्यवहारिक उदाहरण हम लोग सीखने वाले हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए यहां पर सीखेंगे व्यवहारिक उदाहरण। जैसे आप लोग जानते हैं कि जो पारे की छोटी बूंदें होती हैं वो गोल होती हैं और बड़ी बूंदें चपटी हो जाती हैं, क्यों? तो हेडिंग लिखिएगा पृष्ठ तनाव के व्यवहारिक उदाहरण। सबसे पहला आप ये बता दीजिए, पारे की छोटी बूंदें गोल तथा बड़ी बूंदें चपटी होती हैं।
छोटी बूंदें गोल तथा बड़ी बूंदें चपटी होती हैं। इसका क्या कारण है तो आप बताएंगे, ये घटना पृष्ठ तनाव के कारण होती है कि पृष्ठ तनाव के कारण जो द्रव का मुक्त पृष्ठ होता है वो सिकुड़कर गोल होने का प्रयास करता है। तो छोटी बूंदे जब हम लोग पारे की फुहार करते हैं, ऊपर से पारे को गिराएं, तो क्या होगा, जो छोटी बूंदे होंगी वो गोल हो जाने का प्रयास करती है, यानी पूरी तरह से गोल हो जाती है, और जो बड़ी बूंदे होती है वहां पर एक नीचे की ओर आप कह सकते हैं कि जो गुरुत्व बल होता है वो कार्य करने लगता है। तो गुरुत्व बल के कारण ये जो बड़ी बूंदें हैं ये चपटी रह जाती हैं। तो आप यहाँ क्या बताएंगे, अगर आपसे पूछा जाए पारे की छोटी बूंदें गोल तथा बड़ी बूंदें चपटी होती हैं, तो इसका सिर्फ और सिर्फ ही एक कारण है, पृष्ठ तनाव। इसका क्या कारण है, पृष्ठ तनाव। दूसरा, कंचा जानते हैं, गोली। गोली कंचा में भी यही होता है कि कांच की, या आप ये कह सकते हैं शीशे के छर्रे बनना, उसी को हम लोग बोलते हैं कंचा। शीशे के छर्रे बनना, छर्रे कैसे लिखा जाए, चलिए छर्रे बनना, शीशे के छर्रे बनना। जब हम लोग क्या करते हैं, शीशे की फुहार ऊपर से की जाती है तेजी से, ऊपर से शीशे को अगर हम गिराएंगे तो शीशा क्या होता है, पृष्ठ तनाव के कारण गोल हो जाने का प्रयास करता है, और जब गोल होकर शीशा पानी में गिरता है तो वो ठोस बन जाता है, और जो बड़ा होता है वो गुरुत्व बल के कारण थोड़ा सा चपटा आकार का हो जाता है, जिसके कारण शीशे के जो छर्रे बनते हैं वो छोटे छोटे छर्रे और गोल गोल होते हैं, जिन्हें आप लोग देखते हैं कि गोलियां जितनी छोटी होंगी उतने गोल होती हैं, छर्रे जितने छोटे होंगे उतने गोल होते हैं। तो ये किस घटना के कारण, शीशे के जो छर्रे बन रहे हैं वो पृष्ठ तनाव के कारण गोल बनते हैं। तीसरा, आप ये बता सकते हैं कि कांच की नली के, चलिए ये छोड़िए, आप वैसे बता सकते हैं कांच की नली के सिरे का बर्नर की ज्वाला में गर्म होने पर गोल हो जाना, और सुई का जल पर तैरना, सुई का जल पर तैरना बहुत फेमस क्वेश्चन है, आप इस पर कंफ्यूज हो सकते हैं। आपके पास दो चीजें मिलता है, एक आपने पढ़ा है आर्कमिडीज का सिद्धांत, पढ़े हैं या नहीं आर्कमिडीज का सिद्धांत, और दूसरा आपने यहीं पर पढ़ा है पृष्ठ तनाव। तो शीशे के छर्रे बनना, ये आपकी जो सुई है वो किस घटना के कारण द्रव के ऊपर तैरती है, आप लोगों के इससे प्रश्न है। अगर आप लोग थोड़ा सा भी पढ़ते हैं तो बताइएगा कि जो सुई का जल पर तैरना है वो किस घटना के कारण, आर्कमिडीज के सिद्धांत या पृष्ठ तनाव। तो अगर आप सबको पता हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो सुई जल पर तैरती है वो किस कारण, उसका क्या कारण है कि सुई जल पर तैरने लगती है, बताइएगा। और आगे, जो साधारण जल की अपेक्षा जो साबुन होता है वो कपड़ों की अधिक अच्छे तरीके से धुलाई कर सकता है, ऐसे ही बहुत सारे इसके उदाहरण हैं, कितना आपको बताएं। तो तीन चार याद रखिएगा, पारे की छोटी बूंदे गोल तथा बड़ी बूंदे चपटी होती हैं, शीशे के छर्रे बनना, और परख नली जो होती है उसको गर्म ज्वाला में जब ले जाते हैं तो वो किनारे पर वो क्या करती है, सिकुड़कर गोल हो जाने का प्रयास करती है, गर्मी के कारण गोल हो जाने का प्रयास करती है, और फुहारने से ठंडक उत्पन्न होती है, यानी जो फुहारा होता है वो ज्यादा ठंडा होता है, वो भी पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। और सुई का जल पर तैरना, आप लोग बताएंगे कौन सी घटना घटित हो रही है यहाँ पर। आगे बढ़ जाया जाए, बताइए इतना समझ में आ गया या नहीं, एक बार कमेंट करके बता दीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, आगे के टॉपिक को देखते हैं, आगे के टॉपिक को देखते हैं। ठोस के संपर्क में द्रव के पृष्ठ की आकृति, इसको अच्छे से समझिएगा, ठोस के संपर्क में द्रव के पृष्ठ की आकृति, यानी आपने कभी कभी यदि ध्यान से देखा होगा तो जल को हम लोग जब स्टील के ग्लास में रखते हैं तो भरते चले जाते हैं, वो स्टील की ग्लास जो होती है उसके एक क्षैतिज सतह के ऊपर भी पानी आराम से टिका रहता है, यानी कुछ इस प्रकार से, अगर ये ग्लास है, ग्लास में यहां तक है तो पानी कुछ इस प्रकार से टिका होता है, ऐसे आपने देखा होगा। इसका कारण क्या है, ये क्यों होता है ऐसा, तो इस चीज को हम लोग सीखेंगे। हेडिंग लिखिएगा, ठोस के संपर्क में द्रव के पृष्ठ की आकृति, ठोस के संपर्क में द्रव के पृष्ठ की
आकृति, ठोस के संपर्क में द्रव के पृष्ठ की आकृति। अगर कोई भी द्रव ठोस के संपर्क में आ रहा है तो वो कितने प्रकार की कैसी कैसी आकृतियां आपको दे सकता है। देखिए हम बता दे रहे हैं किस प्रकार से। मान लीजिए ये ग्लास है, 3 ग्लास हम लोग लेंगे, ग्लास है, या फिर आप मान लीजिए कि कोई भी एक पात्र लिया गया है। 3 पात्र हैं, तीनों में अलग अलग द्रव भरा हुआ है, तीनों में अलग अलग। कभी आपने देखा होगा द्रव कुछ इस प्रकार से होता है, कभी आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार से होता है, तो कभी आपने ये भी देखा होगा। अगर नहीं देखे हैं तो ये हम आपको बता दे रहे हैं, ये 3 प्रकार से द्रव किसी भी ठोस के संपर्क में आने पर 3 प्रकार का आकार ग्रहण कर सकता है। सबसे पहला अवतलाकार, उत्तलाकार और समतलाकार। अवतलाकार, उत्तलाकार और समतलाकार, ये 3 प्रकार से द्रव की आकृतियां हो सकती हैं। इन्हीं चीजों को हमें सीखना है कि ऐसा क्यों होता है और ऐसा कौन कौन सी घटनाएं हैं, ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जिसमें ये देखने को मिलता है। प्यारे तरीके से हम लोग समझेंगे, आप लोग सीखते हुए चलिएगा, जहां पर ना समझ में आए कमेंट करते रहिए। ये मान लीजिए फिजिक्स है तो फिजिक्स में तो आधी जिंदगी मानने में ही चली जाएगी। आगे देखिए क्या करना है, आगे बढ़ चलते हैं। ये वाला भी ऐसे मान लेते हैं कि इसमें कोई द्रव भरा हुआ है, द्रव भी हम लोग नहीं जानते हैं कौन सा द्रव भरा हुआ है, अभी आप सीख जाएंगे, खुद ही बताएंगे कौन सा द्रव है, ऐसा क्यों हुआ है। आप चित्र समझ पाए हैं कि ये 3 प्रकार से इसकी आकृतियां हो सकती हैं। और आकृतियों के बारे में जानने के पहले एक चीज जान लीजिए, संपर्क कोण क्या होता है। संपर्क कोण किसे कहते हैं, जब आप ये सीखे रहेंगे तो आप आसानी से ये बता सकते हैं। द्रव के भीतरी पृष्ठ, बाहरी पृष्ठ तथा, देखिए द्रव के भीतरी पृष्ठ, बाहरी पृष्ठ, बाहरी पृष्ठ तथा बाहरी पृष्ठ, द्रव के भीतरी पृष्ठ, बाहरी पृष्ठ तथा बाहरी पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच, बाहरी पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच बने कोण को संपर्क कोण कहते हैं। द्रव के भीतरी पृष्ठ, बाहरी पृष्ठ तथा बाहरी पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच बने कोण को संपर्क कोण कहते हैं। जैसे अगर हम लोग इसके लिए थोड़ा सा देखना चाहें, समतलाकार वाली आकृति के लिए या उत्तलाकार किसी भी आकृति के लिए अगर हम देखना चाहें, तो मान लीजिए ये हो गया द्रव का बाहरी पृष्ठ, द्रव का क्या हो गया बाहरी पृष्ठ, द्रव का भीतरी पृष्ठ, 3 पृष्ठ आपको बताया गया, भीतरी पृष्ठ, बाहरी पृष्ठ और द्रव की स्पर्श रेखा। तो ये तो हो गया भीतरी पृष्ठ, ये हो गया स्पर्श रेखा, ये हो गया बाहरी पृष्ठ। इन्हीं के बीच जो कोण बनता है उसी कोण को हम लोग क्या नाम देते हैं, तो इसी को नाम देते हैं हम लोग संपर्क कोण। मान लीजिए किसी भी एक वस्तु को इसी में डुबो दिया जाता है, वस्तु को क्या किया गया इसमें डुबो दिया गया, कांच है ये, तो यहां आप देखेंगे ये है आपका स्पर्श रेखा वाला पृष्ठ, यानी कि बाहरी पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा तथा ये भीतरी पृष्ठ, इसके बीच जो कोण बन रहा है ये संपर्क कोण है। यहां पर भी अगर हम लोग रखना चाहें तो ये हो गई स्पर्श रेखा और यहां पर एक कोण इस प्रकार से ये होगी स्पर्श रेखा, आप यहां कह सकते हैं यहां भी एक कोण आपको प्राप्त हो रहा है, या इस प्रकार से अगर बन जाए तो यहां पर कोण प्राप्त हो रहा है थीटा, ये भी क्या हो गया आपका, तो ये आपका हो गया संपर्क कोण। ये कांच है और ये जल है, ये क्या है आपका जल है। और एक चीज और याद रखिएगा कि ये आपका कांच था, ये जल था, तो ये इस तरफ आ जाता, यहाँ थीटा हो जाएगा और ये वाला आपका पारा है, पारे में थीटा इतना ऐसे जाता है। आगे बढ़ा जाए आप, चलिए इन चीजों के बारे में हम लोग विस्तार से देखते हैं। सबसे पहली स्थिति ये देखते हैं कि जो संपर्क कोण है वो, अगर हम लोग ये तो जान गए ना कि इसको थीटा से प्रदर्शित करते हैं, ये किससे,
थीटा से प्रदर्शित किया जाता है, थीटा से प्रदर्शित किया जाता है जब थीटा आपका क्या हो 90 अंश से कम हो यानी न्यून कोण हो। थीटा के न्यून कोण की स्थिति में जब थीटा न्यून कोण हो यानी कि थीटा का मान क्या हो अगर 90 अंश से कम होगा तो द्रव क्या क्या आकृति ग्रहण करेगा, क्या क्या अपने गुण दिखाएगा, सब कुछ सीख लेते हैं। सबसे पहला चीज याद रखिएगा कि द्रव की आकृति अवतलाकार होगी, द्रव की आकृति अवतलाकार। अगर थीटा न्यून कोण है तो द्रव की आकृति अवतलाकार। दूसरा चीज याद रखिएगा द्रव केश नली में ऊपर चढ़ता है, द्रव केश नली में ऊपर चढ़ता है। अब केश नली क्या होती है तो हम इसको अभी इसके ठीक तुरंत बाद बताते हैं कि द्रव क्या करेगा केश नली में ऊपर चढ़ता है। तीसरा याद रखिएगा द्रव और कांच के लिए, जो द्रव और कांच होता है, द्रव और कांच के लिए थीटा बराबर जीरो अंश। चौथा पॉइंट ये याद रखिएगा कि साधारण जल के लिए थीटा बराबर आठ अंश। अगर नहीं दिख रहा हो तो हम बोल रहे हैं, लिख लीजिए साधारण जल के लिए थीटा बराबर आठ अंश। और पांचवा पॉइंट आप बताइएगा कि द्रव ठोस को भिगोता है, द्रव ठोस को भिगोता है। पांच पॉइंट आपको बताया गया कि अगर थीटा न्यून कोण होगा तो द्रव अवतलाकार आकृति होगी, केश नली में ऊपर चढ़ेगा, द्रव कांच के लिए थीटा बराबर जीरो अंश, साधारण जल के लिए आठ अंश, और द्रव क्या करेगा ठोस को भिगो देगा। ये तो आपका हो गया थीटा जब न्यून कोण हो। दूसरा हम लोग सीखते हैं जब थीटा अधिक कोण हो, जब थीटा अधिक कोण हो यानी कि अधिक कोण होने का मतलब है कि ये 90 से बड़ा हो जाएगा और 180 से कम। तो पहला चीज तो ये याद रखिएगा कि द्रव की आकृति यहां हो जाएगी उत्तलाकार, द्रव की आकृति उत्तलाकार। दूसरा केश नली में क्या करेगा द्रव, तो केश नली में द्रव नीचे उतरेगा, केश नली में द्रव नीचे उतरेगा। तीसरा पॉइंट ये याद रखिएगा कि पारा तथा कांच के लिए थीटा 135 अंश, पारा तथा कांच के लिए थीटा बराबर 135 अंश। चौथा पॉइंट ये याद रखिएगा कि जो द्रव होगा वो ठोस को भिगोएगा नहीं, यानी कि द्रव ठोस को नहीं भिगोता, द्रव ठोस को नहीं भिगोता है। तो ये चार पॉइंट याद रखने, अगर थीटा अधिक कोण होगा तो द्रव की आकृति उत्तलाकार होगी यानी कि ऐसे उठा हुआ दिखाई देगा, केश नली में द्रव नीचे उतरेगा, पारा तथा कांच के लिए 135 अंश, द्रव ठोस को नहीं भिगोता है। अगला यहां पर देख लेते हैं, जब आपका जो थीटा दिया गया वो समकोण हो तो क्या होगा, यानी संपर्क कोण अगर समकोण हो तब कौन कौन से गुण प्रदर्शित करेगा द्रव, कौन कौन से गुण प्रदर्शित करेगा। चलिए समकोण की स्थिति में देखते हैं, जब क्या थीटा कितना हो समकोण हो तो सबसे पहला याद रखिएगा कि द्रव ना तो उत्तलाकार होगा ना तो अवतलाकार, बल्कि एक नया आकार ग्रहण करेगा जिसे कहते हैं समतलाकार। द्रव की आकृति कैसी हो जाएगी समतलाकार। केश नली में जो द्रव होगा, केश नली में द्रव ना ही ऊपर चढ़ेगा और ना ही द्रव नीचे उतरेगा, यानी कि केश नली में भी द्रव का कोई असर नहीं होगा। तीसरा याद रखिएगा केश नली में आपको द्रव ठोस को भिगोएगा, ये तो याद रखिएगा, यहाँ एक स्पेशल टाइप है कि ठोस को क्या करेगा, तो ये ठोस को भिगोएगा, भिगोएगा द्रव ठोस को भिगोएगा। चौथा आप ये बता सकते हैं द्रव और चांदी के लिए थीटा बराबर 90 अंश होता है, द्रव और चांदी के लिए यानी कि अगर हम चांदी के ग्लास में जल को रख दें तो संपर्क कोण कितना डिग्री बनेगा 90 अंश। ये चीज आपको समझ में आया या नहीं जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। तो आप यहां ताप बढ़ाने पर ससंजक बल, अब दो चीज और याद रखिए, ये पूरा कंप्लीट हो गया,
न्यून कोण की स्थिति में बताया कि आकृति अवतलाकार केश नली में द्रव ऊपर चढ़ता है, द्रव और कांच के लिए थीटा बराबर 0 अंश, साधारण जल के लिए थीटा बराबर 8 अंश, द्रव ठोस को भिगोता है और जब थीटा अधिक कोण हो तो द्रव की आकृति उत्तलाकार, केश नली में द्रव नीचे उतरेगा, पारा केश नली में द्रव नीचे उतरेगा, पारा तथा कांच के लिए जो थीटा बराबर 135 अंश बताया गया, द्रव ठोस को नहीं भिगोएगा, द्रव ठोस को नहीं भिगोएगा। और साथ ही साथ तीसरा बताया गया समकोण की स्थिति में समतलाकार आकृति देगा, ना ही केश नली में ऊपर चढ़ेगा ना ही नीचे उतरेगा और द्रव ठोस को भिगोएगा, द्रव और चांदी के लिए थीटा बराबर 90 अंश। यहां हमें एक नोट पॉइंट याद रखना है, एक नोट पॉइंट याद रखना है कि अगर ताप बढ़ाएं तो संसंजक बल घटता है जिससे संपर्क कोण कम हो जाता है। नंबर एक, ताप बढ़ाने पर संसंजक बल घटता है जिससे संपर्क कोण कम हो जाता है। ताप बढ़ाने पर संसंजक बल घटता है जिससे संपर्क कोण कम हो जाता है। और दूसरा, अशुद्धियां मिला दें तो क्या होगा, तो आप बताएंगे द्रव में अशुद्धियां मिलाने से संपर्क कोण बढ़ जाता है। द्रव में अशुद्धियां मिलाने पर संपर्क कोण बढ़ जाता है। द्रव में अशुद्धियां मिलाने पर संपर्क कोण बढ़ जाता है। इस तरह से आज का टॉपिक हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। इसके बाद हम मिलेंगे तो इस टॉपिक का सबसे लास्ट वीडियो आएगा, इसके बाद फिर न्यूमेरिकल। तो कमेंट करके बताइए सेशन पसंद आया या नहीं, और पसंद आया है तो प्यारा सा कमेंट जाकर कमेंट बॉक्स में करिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे और इसके बाद फिर इसके टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। बाय।